अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिदा जैनब, विजिटिंग लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद. टुडे द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज़ हेमेटोमेसिस. हेमेटोमेसिस इज़ बेसिकली वॉमिटिंग ऑफ ब्लड. तो अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ब्लड जो है वॉमिटिंग के साथ ब्लड आने की जो कंडीशन होती है उसको हम हेमेटोमेसिस कहते हैं. ये जो ब्लड आता है वॉमिटिंग के साथ, ये कलर डार्क इन कलर होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके ब्लड की इंटरेक्शन होती है एसिड के साथ, जो कि स्टमक एसिड के साथ, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, और इसके अलावा फूड में भी मिक्स हो सकता है ये ब्लड. तो अगर ब्लड जो है वो कुछ देर के लिए स्टमक में रहता है तो ये डाइजेस्ट हो जाता है और इसकी अपेयरेंस हो जाती है ब्राउन कलर की या ग्रेनुलर होती है, जो कि प्रेजेंट होता है वॉमिटस में या फिर स्टमक एस्पिरेट में. इसके अलावा ये इंडिकेट करता है इस चीज़ को कि ब्लीडिंग जो है वो अपर जीआईटी से हो रही है. अपर जीआईटी में हम अगर बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो अबव द लिगामेंट ऑफ टीरीज, ये बेसिकली हमारे पास लिगामेंट होता है जो कि ड्यूटिनम को जेजनम के साथ जो है वो ज्वाइन कर रहा होता है. तो उस पॉइंट से अबव हमारे पास इसोफेगस आ जाती है, स्टमक आ जाती है और ड्यूटिनम का पार्ट आ जाता है. तो ये क्या होता है कि इस इन एरियाज में ब्लीडिंग जो है, या ब्लीडिंग साइट बेसिकली हमारे पास ये एरियाज होते हैं जिसकी वजह से हेमाटेमेसिस जो है वो अकर होती है पेशेंट के साथ. पेशेंट को, ये जो पेशेंट होगा वो शॉक में हो सकता है. इसके अलावा रेस्टलेस होगा, कंफ्यूज होगा, डिसोरिएंटेड होगा ड्यू टू सेरेब्रल एनोक्सिया. हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन जो है वो सिवियरली एक्यूट ब्लड लॉस के मैयर नहीं होता इसमें, क्योंकि हीमोडायलेशन जो है वो कम्प्लीटली नहीं हुई होती फॉर डेज. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी और क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं हेमेटोमेसिस की, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि पेप्टिक अल्सर, इसके अलावा एसोफिजियल वेराइसिस, फंडल वेराइसिस, इरोसिव गैस्ट्राइटस. पेप्टिक अल्सर बेसिकली हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर. एसोफेजियल वेराइसिस में हमें पता है कि ये जो लिवर सिरोसिस होता है, लिवर सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन और उसकी कॉम्प्लिकेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जीआईटी, पेंक्रियाज और स्पीन, इसमें क्या होता है कि कोलेट्रल्स बन जाते हैं. और ये कोलेट्रल्स जो है वो ब्लड प्रेशर जब रेज हो पेशेंट का तो प्रोफ्यूजली ब्लीड करते हैं. तो इसी तरह हमारे पास एसोफेजियल वेराइसिस में क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स जो कि बनी हुई हैं, बनी होती हैं लोअर एसोफेगस के लोअर एंड पे, वो ब्लीड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को हेमेटेमेसिस होता है. इसके अलावा फंडल वेराइसिस, फंडल्स मीन्स के जो फंडल रीजन है हमारे पास स्टमक का, उसके अंदर इरोसिव गैस्ट्राइटिस ही होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेडिकेशंस ले रहे हों, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा कि इन्फ्लेम्ड हो जाती है स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग और वहाँ पे इरोजन्स बन जाते हैं और वो इरोजन से जो है वो ब्लीड करते हैं. एसोफेजाइटस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, ये बेसिकली होती है ड्यू टू रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स इन एसोफेगस. तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है एसोफेगस के, वहाँ पे इरोजन्स बनते हैं जो कि बाद में ब्लीड करती हैं. इसके अलावा आ जाता है कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, ये भी एक कॉज हो सकती है हेमेटोमेसिस की. और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे अगर पेशेंट में वैसे ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, तो बॉडी के जिस तरह से किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, इसी तरह जीआईटी में स्टार्ट हो सकती है किसी भी पार्ट से, और वो फिर अल्टीमेटली हेमेटोमेसिस अकर होता है. तो अगर हम बात करते हैं एसोफेजियल वेराइसिस की, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है अपर जीआईटी ब्लीडिंग का पाकिस्तान में. ऑल दो ये इंटरनेशनल लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो 20% ऐसे केसेस मिलते हैं. ये बेसिकली क्या होता है कि डायलेटेड टॉर्शियस वेन होती हैं एसोफेगस में, और ये स्टार्ट होती हैं लोअर एंड ऑफ एसोफेगस से और एक्सटेंड करती हैं अपवर्ड टू ए वेरिएबल एक्सटेंड. ये बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं बिटवीन पोर्टल एंड सिस्टेमिक वेनस सिस्टम. और ये जो हमारे पास कोलेट्रल्स होते हैं, ये कम्युनिकेशंस होती हैं, वो पोर्टल हाइपरटेंशन में डायलेट हो जाती हैं. मोस्ट कॉमन कॉज है जो है हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन का, वो हिपेटिक सिरोसिस है. तो ये वेराइसिस जो है वो बनती है हमारे पास फंडस ऑफ स्टमक में भी बन सकती है. इसके अलावा ब्लीडिंग जब इनमें से होती है तो वो इवन मोस्ट सिवियर होती है. अगर हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट को एसोफेजियल वेराइसिस के साथ अगर पेशेंट आता है, तो एक तो हेमेटोमेसिस मैसिव होगी और रिकरेंट होगी. इसके अलावा पेशेंट जो है उसका एबडोमिन डिस्टेंडेड होगा ड्यू टू एसाइटिस. इसके अलावा हिस्ट्री होगी जॉइंटस की पास्ट में. क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ रही है एसोफेजियल वेराइसिस की, इसका बैक एंड पे जो मेजर फैक्टर है वो लिवर सिरोसिस है. तो
हमें पता है कि जो लिवर है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है, ऑनकोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होता है लिवर डैमेज की वजह से, प्रोटीन हाइपोएल्ब्यूमिनिमिया हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि एसाइटिस होती है। इसके साथ ही अगर लिवर डैमेज है तो जॉइंटस की हिस्ट्री होगी पेशेंट को, हेमेटेमेसिस जो है वो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होती है सिरोसिस के। इसके अलावा साइन ऑफ सिरोसिस प्रेजेंट होंगे जिसमें हमारे पास पाम्स एरिथमा आ जाता है कि जो पाम्स होती हैं उसमें रेडिश स्पॉट्स होते हैं, नोड्यूलर स्पॉट्स होते हैं। इसके अलावा स्पाइडर एंजियोमास पेशेंट में, स्पाइडर एंजियोमास बेसिकली क्या होता है कि जो कैपलरीज होती हैं स्मॉल कैपलरीज वो डायलेटेड हो जाती हैं ड्यू टू कंजेशन, और स्किन की सरफेस पे जो है वो विजिबल होती हैं इन रेडिश टू ब्लू कलर, सॉरी ब्लू टू रेड कलर में विजिबल होती हैं, इसको हम स्पाइडर एंजियोमास कहते हैं। इसके अलावा स्प्लीनो में गैली हो जाती है कि स्प्लीन की जो वेसल्स है उनकी कंजेशन हो जाएगी ड्यू टू पोर्टल हाइपर टेंशन, जिसकी वजह से स्प्लीनो में गैली हो जाती है। और सिरोसिस में या तो लिवर श्रिंकेज हो गई या फिर लिवर का साइज जो है वो इनलार्ज हुआ हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो डायग्नोसिस जो है वो हम एंडोस्कोपी के थ्रू करेंगे, इसलिए क्योंकि एंडोस्कोपी से हमें एग्जैक्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग का पता लगेगा। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम स्टमक को और ड्यूटनम को थॉरली इंस्पेक्ट करें कि पाकिस्तान में जो है वो पेप्टिक अल्सर भी जो है वो एक कॉमन कॉज है पोर्टल हाइपरटेंशन की, और इसके अलावा जो है हेमेटेमेसिस की भी कॉज है। तो फंडल वेराइसिस जो है वो, अगर एसोफेजियल वेराइसिस है तो उसके साथ साथ फंडल वेराइसिस को भी लुक फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि इग्नोर ना हो, और लेटली जो है वो स्टमक के पार्ट से जो है वो वेराइसिस जो बन चुकी हैं वो ब्लीड ना कर लें। इसके अलावा इरोसिव गैस्ट्राइटिस है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक के, इसमें मल्टीपल म्यूकोजल इरोजन्स बन जाती हैं, एपिथेलियल लाइन लॉस हो जाती है। ये बेसिकली होता है कि ड्रग अब्यूज़ की वजह से, एस्पिरिन बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट ले रहे हैं, एनसेड्स का इस्तेमाल और पोटाशियम क्लोराइड। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ी कॉज है हमारे पास इरोसिव गैस्ट्राइटिस की, शॉक है, ट्रॉमा, बर्न, सेप्सिस। तो इससे में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो हेमाटोमेसिस के साथ प्रेजेंट करेगा विदाउट एपिगैस्ट्रिक पेन, और हिस्ट्री होगी पेशेंट के पास ड्रग इनटेक की। इसके अलावा साइंस जो है वो टेंडरनेस होगी एपिगैस्ट्रिया में। इसमें भी क्या होता है हमारे पास के जो इन्वेस्टिगेशन है तो उसको हम एंडोस्कोपी जो है वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, वो शो करेगी कि लीजन्स हुए हुए हैं या डिफिकल्ट डिफ्यूजली इन्फ्लेम म्यूकोजा है, और उसमें जो लीजन्स बने उसमें से ब्लड की ऊजिंग हो रही है। सो दैट वाज द टू कंडीशन इन विच द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द सिम्टम एंड और कंप्लेन विद हिमाटोमेसिस। वन इज एसोफेजियल वेराइसिस एंड अदर इज द इरोसिव गैस्ट्राइटिस। थैंक यू।